नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 89.6 FM सीकर पर। मेरा नाम है आरजे रामा। दोस्तों, आज लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है और इस मौके पर आज हम उनके जीवन की कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 5 वर्ष की छोटी उम्र में लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और सन 1942 में जब वे 13 वर्ष की थी तो उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई तो लता जी ने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। दोस्तों, इस बात से हम सीख सकते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए और कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, लता जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी शिक्षा कभी पूरी नहीं हुई, फिर भी उनकी संगीत की प्रतिभा को देखकर 6 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, इससे सीखने वाली बात यह है कि जिंदगी में सफलता के लिए केवल किताबी ज्ञान या डिग्रियां ही मायने नहीं रखती। सफलता के लिए जरूरी ये है कि आप अपनी प्रतिभा को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ आप अपने सपनों के लिए कितने ज्यादा समर्पित रहते हैं। दोस्तों, लता जी ने अपने जीवन का अधिकतर समय संगीत को दिया, पर क्या आपको पता है कि स्टेज पर जब उन्होंने पहली बार गाया था तो उसके बदले में उनको 25 रुपए दिए गए और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे करियर में 20 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 30,000 से ज्यादा गाने गाए और तो और उनके गीत आज भी युवाओं की पहली पसंद है। तो दोस्तों, जिंदगी में शुरुआत कितनी ही कठिन क्यों ना हो, पर अगर हम हमारे कर्म को भगवान की तरह पूजेंगे और पूरी शिद्दत से उस कर्म को करेंगे तो एक दिन ये कर्म ही हमारी पहचान बन जाएंगे और पहचान भी ऐसी जो सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करेगी। तो दोस्तों, ये थी लता जी के जीवन की कुछ बातें और लता जी की आवाज हमारे दिलों में इसी तरह हमेशा कायम रहेगी। धन्यवाद।